नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध कोयले से लदे 8 ट्रकों को लिया गिरफ्त में। दुकानदार की शतकर्ता से चोरी का प्रयास हुआ विफल। और राष्ट्रपति शासन ने पूर्व मंत्री के सुपुत्र की दिखी दबंग गई। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध कोयले से लदे 8 ट्रकों को पुलिस ने धर दबोचा। ये कोयले जमशेदपुर के रास्ते से बहरागुड़ा ले जाया जा रहा था। जमशेदपुर के विभिन्न थाना अंतर्गत अवैध कोयले से भरे ट्रक को जमशेदपुर के जिला पुलिस ने पकड़ा है। यह कोयला जमशेदपुर से बहरागुड़ा और झारखंड के विभिन्न इलाकों से होकर गुजर रहा था, जिसकी गुप्त सूचना जमशेदपुर के जिला पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर जिला पुलिस ने औचक निरीक्षण कर जमशेदपुर के विभिन्न थाना के इलाकों से कोयले से भरा ट्रक और कोयले को जब्त किया है। ये सभी ट्रक धनबाद एवं बोकारो से आ रहे थे। ट्रक की सूचना पुलिस को दी गई थी कि कोयले से भरा ट्रक जमशेदपुर के रास्ते बहरागुड़ा की ओर जा रही है, जिसकी सूचना पर जमशेदपुर के MGM थाना से लेकर बहरागुड़ा थाना तक ट्रकों का चेकिंग लगाया गया, जिसमें कुल 8 गाड़ियों को पकड़ा गया है। रात में गुप्त सूचना मिली थी कि धनबाद और बोकारो से आ रही चलकर कोयला की गाड़ी पुरलिया होते हुए जमशेदपुर में आ रही है और बहरागुड़ा की तरफ जाएगी। उसी सूचना पर MGM से लेकर के बहरागुड़ा तक के थानों में चेकिंग लगाई गई। इस चेकिंग के दौरान कुल 5 गाड़ियां कालू टीम में पकड़ी गई, 3 गाड़ियां MGM में पकड़ी गई। ये सभी गाड़ियों पर कोयला लोड है। प्रथम दृष्टया कागजात देखने से लगता है कि भाई कागजात सही नहीं है, उस आधार पर इन लोगों पर कांड अंकित किया जा रहा है बालूडी और MGM थाने क्षेत्र में। इन गाड़ियों के साथ सभी गाड़ियों के ड्राइवर और खलासी, कुछ गाड़ियों में खलासी नहीं थे, कुछ गाड़ियों में खलासी थे, कुल 12 आदमी की गिरफ्तारी की है। एक गाड़ी पत्थर की भी जब्त की गई है, बालूडी में लगा हुआ है, वो भी प्रेशियस पत्थर है, उसकी भी जाँच की जा रही है। गाड़ी कोयले की और एक गाड़ी पत्थर की कल रात में ड्राइव चला करके हम लोगों के द्वारा 9 गाड़ियाँ पकड़ी गई, कार्रवाई की जाएगी। और अब ये आज जानकारी मिली है कि इस तरह से अवैध कोयला रात्रि में चलती है, क्योंकि इस जिले में कहीं कोयला का कोई खदान नहीं है, तो कोयला पर इस जिले में किसी का कोई ध्यान नहीं जाता था, लेकिन रात्रि में गाड़ियां चलती है तो अब आगे भी इस तरह की औचक छापेमारी जारी रहेगी। और उधर जमशेदपुर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ज्वेलर्स दुकानों में हो रही चोरी ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। बात रात में चोरी की हो तो समझ में भी आती है, लेकिन चोरों ने चोरी के नए नए तरीके अपनाकर अब दिन में ही दुकान को निशाना बनाने लगे हैं। आज ऐसा ही वाकया सामने आया है साक्ची स्थित विकास ज्वेलर्स में, जहां एक महिला चोर ने ज्वेलर्स खरीदने के बहाने सरेआम पायल की चोरी कर ली। शहर में हो रही चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस के द्वारा सभी दुकानदारों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरा लगाने की सलाह दी है। इसी कैमरे की मदद से दुकानदार ने एक चोर को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस बाबत दुकानदार ने कहा कि यह महिला अक्सर उनके दुकान में गहने खरीदने के बहाने आया करती थी और उसी दौरान यह सबसे नजरें बचाकर गहने गायब कर दिया करती थी और उसकी जगह डुप्लीकेट गहने रख दिया करती थी। दुकानदार को शक होने पर उसने महिला चोर को कैमरे की मदद से पहचान की। जब वह एक बार फिर दुकान में गहने खरीदने आई तो यह पायल बदलकर अपने मोजे में छुपा ली। इसे देखते ही दुकानदार ने शोर मचाते हुए उस महिला चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उससे पूछताछ चल रही है। हालांकि यह अपने को निर्दोष बता रही है, लेकिन कैमरे में कैद उसकी हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। वहीं पुलिस ने इस घटना में कुछ भी बताने से इनकार किया है और जांच की बात करती रही। दुकान में सोना दुकान में काहे दे रही हुआ? हम चोरी कर गए रे, निहाय हो गए। ये हम रुआ अपने कहते नहीं। हाँ, हम अपने कहते नहीं तो भैया मेरे से कहते हैं हमारे डिलीट कर दी भैया, हम सब कोई से माफी मांगते नहीं। हमारे भाई मर गए, बाप मर गए, तो हम मर गई तो हम ठीक लगी। हाँ, हम डिलीट कर दी भैया, डिलीट कर दी भैया। वो पायल लेने के लिए आई थी और पायल देखते देखते एक पायल
अपना सॉक्स में डाल ली और उसके बदले एक नकली चांदी का पायल वहाँ रख दी थी। फिर कहाँ डाल ली पायल? सॉक्स में, मोजा के अंदर। उसके बाद पहनी थी? हाँ, सॉक्स पहनी थी। उसके बाद? उसके बाद फिर निकल चोरी करके निकल गई थी। फिर एक सप्ताह बाद आई, फिर आज भी आई। एक सप्ताह पहले घटना था कि आज, एक सप्ताह बाद फिर आई, आज फिर पायल देख रही थी। फिर आप लोग कैसे शक हुआ? हम लोग बस मतलब कैमरा में हम लोग देखे थे, उस दिन हम लोग पता चल गया था, नकली पायल हम लोग देखे तो समझ में आ गया कि वही है। फिर रिकॉर्डिंग में देखे तो पता चल गया कि हाँ वही चोरी की है। अच्छा, आज आज फिर वो चोरी करने का आई थी और फिर आज पायल देख रही थी। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, वेलकम टू NSIBM जमशेदपुर, अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली एंड एफिलिएटेड बाय कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, सिचुएटेड इन जमशेदपुर, द बिजी इंडस्ट्रियल हब ऑफ झारखंड एंड द सीरीन इकोलॉजी ऑफ द डिमना रेंज ऑफ हिल्स। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, शेपिंग स्टूडेंट्स इन द मोल्ड ऑफ प्रैक्टिकल बिजनेस मैनेजर्स विथ इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कीम्स, वी ऑफर फुल टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स सच एज 2 years MBA एंड 3 years BBA एंड BCA. वी हैव क्वालिफाइड, कम्पिटेड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज हु आर प्रोडक्ट्स ऑफ रिनॉन इंस्टीट्यूशंस लाइक IIMS, XLRI एंड IIFT, विथ लेटेस्ट ई लर्निंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग डिजिटल लैंग्वेज लैब एंड वाईफाई सिस्टम्स. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतवर्ष में नेता और नेता के परिजन हमेशा से ही अपनी दबंगई दिखाते हुए आए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। अपने कार्य को करवाने के लिए वो अपनी पहुंच तथा पकड़ का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एक नजारा देखने को मिला जमशेदपुर के जिला परिवहन कार्यालय में, तो आइए आपको भी दिखाते हैं झारखंड के पूर्व मंत्री के सुपुत्र की दबंगई। ये नजारा है जमशेदपुर के जिला परिवहन कार्यालय का, जहां से जिला के DTO पूरे जिले के परिवहन का संचालन और देखरेख करते हैं। पर जरा गौर फरमाएं इस शख्स पर जो इस टेबल पर बैठकर कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं। जी हां, ये शख्स है झारखंड के पूर्व परिवहन मंत्री श्री चंपई सोरेन के सुपुत्र श्री बाबूलाल सोरेन। पर यहां चौंका देने वाली बात यह है कि जिस टेबल के कंप्यूटर पर ये बैठे हैं वह टेबल DTO कार्यालय के कर्मचारी की है। जी, इस पर बैठकर सरकारी कर्मचारी जिला परिवहन के दस्तावेज तैयार करते हैं। पर अफसोस की बात है कि इस पर सरकारी कर्मचारी के बजाय नेताजी के सुपुत्र अपने गाड़ी के पेपर स्वयं तैयार कर रहे हैं। पर जब मीडिया के कैमरे चालू हुए तो नेताजी के सुपुत्र टेबल छोड़कर रवाना हो गए। पर इस पर भी इनकी दबंगई तो देखिए, वे स्वयं कहते हैं कि इनकी कमर्शियल गाड़ियों के दस्तावेज ये स्वयं तैयार करते हैं। और तो और, इनको यहाँ तक पता नहीं है कि इसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। अच्छा अच्छा, कमर्शियल गाड़ी। ओहो, लोडर लोडर फिटनेस के लिए। फिटनेस के लिए हो गया, क्योंकि हम तो खुद का ये काम करता है ना, अपना गाड़ी का कागज पत्र खुद हम बनाता है, अपना काम खुद करता है। हो गया, काम हुआ, हो गया, बना दे।
आए पहले आया था मैंने दादा मंत्री होने के बाद पहली बार आया ना। हाँ जब जरूरत पड़ता है हम, मेरा तो गाड़ी है ना बहुत, तो हम जब पेपर बनता है तो हम आते हैं। कितना गाड़ी है बाबूलाल जी आपका? गाड़ी तो देखना होगा। आपको याद नहीं है गाड़ी कितना है? नहीं नहीं चल गाड़ी का आई होगी, हम क्या काम करते हैं, मेरा खुद का आई है काम है वही काम करते हैं। जी सेल में जी सी आई आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी है, उसी का माध्यम से मेरा काम होता है। बहरहाल सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू है और शासन में जिला प्रशासन ही सर्वे सर्वा है और इस तरह की सरकारी कार्यालयों की लापरवाही राष्ट्रपति शासन की खामियों को दर्शाता है। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की खामियों को दूर करे और मंत्री और आम जनमानस को अलग अलग तराजू पर ना तोले, ताकि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति गर्व से यह कह सके हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन है। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और उधर जिला जनता दल यूनाइटेड आने वाले दिनों में जल सत्याग्रह का कार्यक्रम चलाने जा रहा है, जिसके माध्यम से जदयू के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इन सभी मुद्दों की जानकारी जदयू जिला अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने एक पत्रकार वार्ता में दी। डॉक्टर पवन पांडे ने बताया है कि शहर में जल के मुद्दों पर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई हैं। जमशेदपुर शहर में टिस्को लीज समझौता लागू नहीं हो रहा है, जिसके तहत 10 किलोमीटर के क्षेत्र में टिस्को को नागरिक सुविधाएं बहाल करनी है, जिस पर टिस्को का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार हम अतिक्रमित क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं बहाल नहीं कर सकते। इन्होंने जिस्को को भी हाड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जदयू के पूर्व मंत्री श्री जलेश्वर महतो द्वारा मोहरदा तथा मानगो जलापूर्ति योजना शुरू करवाई गई थी, पर जिस्को की कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलीभगत से यह योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जदयू पार्टी इसके लिए क्रमबद्ध आंदोलन करेगी और जनता के बीच जाकर जनता को जागरूक करेगी। जमशेदपुर शहर में पानी को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज जनता दल यूनाइटेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसके माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जमशेदपुर शहर में पहले तो टिस्को लीज समझौता लागू नहीं हो रहा, जिसके तहत 10 किलोमीटर के एरिया में टिस्को को नागरिक सुविधाएं बहाल करनी है। टिस्को बहाना कर रही है कि हाईकोर्ट का आदेश है, जिसके तहत जो अतिक्रमित बस्तियां हैं उसमें हम नागरिक सुविधा नहीं दे सकते, यानी पानी बिजली नहीं दे सकते। अगर इसको ही सत्य मान लिया जाए तो फिर 10 किलोमीटर के अंदर में मानगो क्षेत्र आता है, तो फिर मानगो को उससे अलग करके वहां निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रही है? दूसरा हमारा सवाल यह है कि जब दो राजनीतिक दल आपस में प्रतिस्पर्धा लगाकर जबरदस्ती जिसको के नल के कनेक्शन को तोड़ के उसमें से बस्ती के लोगों को गुमराह करके पानी का कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं, तो जिसको फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको की मिलीभगत है जो ये नहीं चाहती है कि जो हमारे मंत्री श्री पूर्व मंत्री श्री जलेश्वर महतो द्वारा जो मोरदा मोराकाटी परियोजना था और ये एक मानगो परियोजना, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जनता दल यूनाइटेड के मंत्री श्री पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो की देन है, जो अभी तक यहाँ लागू नहीं हुई और इसका भी कन्वेनर जुस्को ही है, तो उसमें ठेकेदारी और विभिन्न तरह की बातें हो सकती हैं, पैसे का बंदर बांट कर चलते हैं, उसको लंबित किया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर अब हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे, हमारे सारे दल के लोग, हमारे कार्यकर्ता और जनता को जगाने का काम करेंगे कि कुछ राजनीतिक दल जो है आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं पानी के मुद्दे को लेकर, जो कि हम लोग जमशेदपुर की जनता को गुमराह नहीं होने देंगे। और उधर सोनारे स्थित 37 बटालियन एनसीसी कैंप में पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 15 वर्षों से भी ज्यादा एनसीसी को अपनी सेवा प्रदान करने वाले कैप्टन सुरेश चौधरी को मेजर का रैंक प्रदान किया गया। देश की आंतरिक सुरक्षा यानी एनसीसी। जी हां, एनसीसी कैडेट देश का एक ऐसा अंश है जिसे हर क्षेत्रों के कार्य करवाया जाता है, चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा हो या फिर कोई और कार्य। ऐसे ही 37 बटालियन एनसीसी के कैप्टन सुरेश चौधरी है, जो कि 1996 से एनसीसी को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। सोनारी स्थित एनसीसी कैंप में पीपिंग सेरेमनी कर इनको मेजर के पद से नवाजा गया। वहीं मेजर के पद से नवाजित होने के बाद इन्होंने बताया कि इतने दिनों से जो मैंने कैडेट्स को तैयार किया उसी के परिणाम स्वरूप मुझे मेजर का रैंक मिला। वहीं आगे आने वाले नए कैडेट्स के लिए इन्होंने बताया कि कैडेट्स अपने जीवन को नियमित करें और जो उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है उसे हर हाल में पूर्ण करें। साथ ही एनसीसी कैडेट्स के द्वारा स्कूल तथा कॉलेजों में सिविल डिफेंस कराया जाए, ताकि कोई भी अपने आप को कमजोर ना महसूस करे। ये हमारा 15 साल का सर्विस है एनसीसी में, और ये मैंने काफ़ी मेहनत से अपने कैडेट्स को तैयार किया, और उस कैडेट्स को तैयार करने का ये मुझे परिणाम मिला है कि आज मैं मेजर के रैंक में पदोन्नति मिली हुई है।
मैं नए कैडेट्स के लिए ही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सजेस्ट करूँगा एज ए गार्जियन कि वह अपने जीवन को नियमित करें और जो उन्होंने लक्ष्य अपने लिए रखा है उसे हर हाल में हासिल करने के लिए प्रयत्नशील रहें। सिविल डिफेंस के लिए हमारे एनसीसी में कैरिकुलम में सिलेबस है और मैं चाहूँगा कि इन कैडेट्स के माध्यम से आम जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस को उनको सिविल डिफेंस और अनआर्म कम्बैट का भी ट्रेनिंग हम लोग दिलाना चाहेंगे कैडेट के माध्यम से। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, अ नेम दैट डिफाइंस क्वालिटी स्कूल एजुकेशन इन झारखंड। कमिटेड कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड टीचर्स, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, अप टू डेट मॉडर्न टीचिंग एड्स, प्रमोट्स एक्सेलरेटेड लर्निंग, नॉट ओनली चॉक एंड टॉक। वी आर अलाइव टू द 21st सेंचुरी एनवायरमेंट, एयरी वेल लेट ऑडियो विजुअल लाइव क्लासरूम्स, एर्गोनॉमिकली डिजाइंड फर्नीचर, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills. Make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road, Phone 0657-223-022. Private Registration, Yahoo Jeevan Mein Marg Darshan, Of course, One Solution, Srivastav Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75-80% first division matric. Private registration and form fill up evam anubhavi shikshakon ke dwara tuition ki achhi vyavastha. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for TISCO apprentice, Indo-Danish tool room, polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. Baridi, Gurdwara Road, Baridi. Prakriti ke garbh mein yugon yugon se samahit ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो। चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो। संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता, गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड सक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानगो गांधी मध्य विद्यालय में पुलिस पब्लिक समन्वय समिति द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 200 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। पुलिस पब्लिक समन्वय समिति द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ डीएसपी वीरेंद्र यादव ने शिरकत की। उधर इस तरह के कार्यों पर पुलिस का कहना है कि इस तरह के कार्यों से पुलिस पब्लिक के बीच की दूरियां कम होती है, इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों के बीच जागरूकता आती है तथा शहर में बढ़ते अपराधों को भी कम किया जा सकता है। दान अलग प्रकार के होते हैं, वस्त्र दान है, अन्न दान है, धन दान है, बहुत से दान है, लेकिन इन सभी से बढ़कर रक्तदान है जो किसी का जीवन बचाने का काम आता है।
विशेषता भी ज्ञान करता है कि अगर हम दान के रूप में देते हैं तो पुनः हमारे शरीर में हमारी शरीर की प्रक्रिया ऐसी है कि पुनः उसका निर्माण कर लेते हैं, उसका कोई घाटा नहीं होता है। और वहीं मानगोडीना रोड स्थित राजस्थान भवन में हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने हस्तशिल्प कला का नमूना प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि यह मेला 21 मार्च तक चलेगा। इस मेले में अनेकों हस्तशिल्प कला के नमूने लोगों के बीच प्रदर्शनी के रूप में लगाए गए हैं। राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस मेले में लगे शिल्प कलाओं को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे रहे। साथ ही इस प्रदर्शनी के द्वारा लोगों को राज्य के मूलभूत हस्तशिल्प कलाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। और आपके सितारे क्या कहते हैं, जाने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शिशिर ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल कृष्ण पक्ष आज दशमी तिथि दिन बृहस्पतिवार पूर्वाषाढ़ नक्षत्र दिन 3:52 तक आज राहु काल का समय होगा। अपराह्न 1:30 से अपराह्न 3 तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कठिनाइयां आ सकती है। नाना प्रकार की विरोधाभास होगा। वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है और अपने जीवन साथी का आप सहयोग लेंगे। माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे तो आपका लाभ प्रसिद्ध होगा। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायी गण आज सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे लेकिन गृहणियां रहेंगी खुशहाल। वृक राशि मालिक शुक्र। तन और मन से आप रहेंगे स्वस्थ। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायी गण व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होगी। इष्ट मित्रों के सहयोग से मित्रों का सहयोग लें, प्रसन्नचित्त रहेंगे और आज के दिन राजनेता भी परचम हराएंगे और विद्यार्थी गण विद्याध्यन में रत रहेंगे। मिथुन राशि मालिक बुध। वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं और आपके घर में अतिथियों के आगमन से आप प्रसन्नचित्त होंगे। विद्वानों के बीच में आज आपको बैठने का मौका प्राप्त होगा और बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल रहेगी। आज आप परोपकार की भावना से भी आच्छादित रहेंगे। दान करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। कर्क राशि मालिक चंद्रमा। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। मित्रों का आप सहयोग लें और अपने से उच्चाधिकारियों के साथ आप सामंजस्य का माहौल बनाकर चलेंगे। वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है और जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं सर्वप्रथम ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। मस्तक पर पीले चंदन का लेपन करेंगे, लाभ प्रसिद्ध होगा। सिंह राशि मालिक सूर्य। बड़े ही आज आप यशस्वी होंगे, ओजस्वी होंगे, साहसी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी जन खुशहाल रहेंगे। आज के दिन गृहणियां परम आनंदित रहेंगे और राजनेता परचम लहराएंगे। कन्या राशि मालिक बुध।
बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल, बहुत दिन के हुए कार्य भी आज आपके बनेंगे, इष्ट मित्रों का सुख प्राप्त होगा, आज पड़ोसियों का भी सामंजस्य बड़ा ही उत्तम होगा और भाई बंधुओं का आज प्यार प्राप्त होगा, आज आपके परिजन खुशहाल रहेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्य समाज में भी आपको मान सम्मान देगा, आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम लहराएंगे और किरणियां खुशहाल रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं, जो भी आप कार्य करेंगे उसमें नाना प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं। प्रातः काल आप पीले वस्त्र का दान करते हैं किसी ब्राह्मण के लिए अथवा गरीब के लिए, वह लाभप्रद सिद्ध होगा और यात्रा करते समय अपने जेब में आप हल्दी की गांठ लेकर के उस चले मस्तक पर पीले चंदन का लेपन करें, वह लाभप्रद सिद्ध होगा। विशेष करके राजनेताओं के लिए आवश्यकता है क्योंकि आज आपके लिए मान हानि के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, क्रोध से आपको बचने की आवश्यकता है और वाणी पर आप अपसरण के घर के छोटे मोटे झगड़े झमेटे से मित्रों से भी अनबन होने के आप योग पर रहेंगे, इसलिए आप वाणी पर संयम रखें और प्रातः काल ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा आपके लिए। यात्रा भी आपकी मंगलमयी बनेगी लेकिन 3 बजे के बाद। धनुराशि, मालिक बृहस्पति, आज तो आपका ही दिन है, हर्षातिरेक रहेंगे आप, हरनिश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होगा, अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे। आज के दिन परचम हराएंगे व्यवसायीगण और विद्यार्थीगण परम आनंदित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि, लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, आनन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है, मित्रों से भी अनमन की योग बन रहे हैं, तो आज आप प्रातः काल उठ करके अपने मस्तक पर पीले चंदन का लेपन करें, वस्त्र भी पीला धारण करते हैं तो आपके लिए और भी सुखद समाचार की प्राप्ति हो जाएगी और आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, ईश्वर की असीम कृपा के होंगे आप पात्र, धनागम के उत्तम योग बने, आज आपको वाहन सुख भी है, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, उच्च अधिकारियों से आज बड़ा ही सामंजस्य होगा, मान सम्मान के साथ आपको धनागम के योग बन रहे, व्यवसाय जन व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और गृहिया रहेंगे आनंदित, विद्यार्थीगण विद्याध्यन में रत रहेंगे, आज के दिन राजनेता भी परचम लहराएंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी, परोपकार की भावना से भी आप आच्छादित रहेंगे, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, विद्वानों के बीच में भी आज आपका समागम होगा और सहसा आपको सुखद समाचार की प्राप्ति से भी आच्छादित, आपके घर में अतिथियों का आगमन भी होने वाला है, बड़ा ही उत्तम योग बन रहा है आपका, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, परम आनंदित रहेंगे आज के दिन। और किसी भी अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फलम बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुख खबर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध कोयले से लदे 8 ट्रकों को लिया गिरफ्त में। दुकानदार की शपकर्ता से चोरी का प्रयास हुआ विफल। और राष्ट्रपति शासन में पूर्व मंत्री के सुपुत्र की दिखी दबंग गई। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rasleelokwani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए रास्ते लोकवाणी की ओर से नमस्कार।